नमस्ते, मैं सुमन शर्मा। मैंने अपने इस वीडियो में मूंग की दाल के लड्डू या आप इन्हें राम लड्डू भी कह सकते हैं बनाने की विधि बताई है। ये मूंग की दाल के लड्डू या राम लड्डू बनाना बहुत आसान है अगर हम थोड़ी बहुत बातों का ध्यान रखें। जैसे कि जब हम किसी भी पकौड़े का घोल बना रहे हैं, चाहे कढ़ी का बना रहे हैं, चाहे खाने के लिए पकौड़े बना रहे हैं, अगर हम उसका घोल ना ज्यादा गाढ़ा बनाएंगे और ना ही पतला बनाएंगे तो पकौड़े हमारे जरूर मुलायम और सॉफ्ट बनेंगे। गाढ़ा बनाएंगे तो पकौड़े सख्त बनेंगे और पतला बनाएंगे तो चपटे बनेंगे, और बीच का सा घोल बनाएंगे तो मुलायम और सॉफ्ट बनेंगे हमारे पकौड़े बिना खाने वाला सोडा डाले। और जब इन पकौड़ों को बना लो तो आप अगर हरी चटनी के साथ खा रहे हैं तो मैं यह कहूंगी कि आप उस धनिये की चटनी में लहसुन प्याज और हरी मिर्च डालकर उस चटनी को बनाओगे और उसके साथ इन पकौड़ों को खाओगे तो आपको बहुत टेस्टी लगेंगे ये पकौड़े। वैसे आपकी मर्जी, आप किसी भी चटनी के साथ ये पकौड़े खा सकते हैं। और इस टाइम पे ये गर्मी का सीजन है और मैंने ये मूली को कद्दूकस करके नहीं डाला है इन पकौड़ों के ऊपर, क्योंकि गर्मी के सीजन में मूली मिल तो रही है लेकिन उतनी बढ़िया नहीं मिल रही है, इसलिए मैंने खीरे को कद्दूकस करके इन पकौड़ों के ऊपर डाला है जिसके साथ आप खाओगे तो काफी अच्छे और टेस्टी लगेंगे। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और पसंद आई। पसंद आने पर लाइक का बटन प्रेस करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मूंग की दाल के पकोड़े या आप इन्हें राम लड्डू भी कह सकते हैं बनाने जा रहे हैं। ये मूंग की दाल के पकोड़े या राम लड्डू चने की दाल और धुली हुई मूंग की दाल को मिलाकर बनाए जाते हैं, लेकिन मैं खाली मूंग की दाल के राम लड्डू बना रही हूँ। ये धुली हुई मूंग की दाल है और इसे मैंने 2 घंटे पानी में अच्छी तरह से भिगो दिया है। पहले अच्छी तरह से पानी में साफ किया, फिर इसे मैंने भिगो दिया है 2 घंटे के लिए और ये बहुत अच्छी तरह से अब भीग चुकी है। बहुत अच्छी तरह से ये भीग चुकी है। अब हम इसे, इसका सारा पानी, जितना भी ये पानी है, पहले ये सारा निकाल लेंगे एक अलग से बर्तन में छलनी में से छानकर। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब इस दाल को हमने छलनी में से अच्छी तरह से छान लिया है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है और ये पानी हमने अलग कर दिया है। अब हम इसे मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। अब इसमें हम ये दाल डाल देंगे पीसने के लिए। और ये नमक डाल देंगे इसमें अपने स्वाद के हिसाब से। और इसमें मैं ये थोड़ी सी हींग डाल रही हूं। हींग डालने के बाद ये मैंने हरी मिर्च ली है, इसको, इन 2 हरी मिर्च को भी डाल देंगे और अब हम इन्हें पीस लेंगे। ये मूंग की दाल को हमने पीस लिया है, इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। हमने ये मूंग की धुली हुई दाल मिक्सी के जार में डालकर पीस ली है। ये दाल अब हमें पीसने के बाद बहुत ज्यादा गाढ़ी लग रही है, क्योंकि हमने जार में जब दाल को डाला था पानी बिल्कुल निकाल करके फिर हमने दाल को पीसा था। अब अगर हम इस दाल के ऐसे ही पकौड़े बना देंगे तो ये पकोड़े हमारे सॉफ्ट पकोड़े नहीं बनेंगे, मुलायम पकोड़े नहीं बनेंगे, बहुत ज्यादा खाने में सख्त होंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, बहुत थोड़ा पानी हमें दाल को पीसने के बाद ही डालना है। अगर पीसते समय डालेंगे तो ज्यादा हो गया तो ये बहुत जल्दी पतली दाल हो जाती है। इसमें मैंने 1 टीस्पून डाला है, बस ज्यादा पानी नहीं डाला, 1 टीस्पून पानी डाला है और थोड़ा सा और डाल देती हूँ। पेस्ट अगर बीच का सा होगा, ना ज्यादा पतला और ना ही ज्यादा मोटा, तो पकोड़े हमारे सॉफ्ट बनेंगे। और इसी पेस्ट में हम थोड़ा सा खाने वाला, ये मैंने सोडा लिया है, ये डाल देते हैं। तीन पिंच मैंने ये खाने वाला सोडा डाला है और डालकर अब हम इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसको जितना फेटेंगे उतने ही अच्छे हमारे पकोड़े बनेंगे, सॉफ्ट और मुलायम। बस हमने पेस्ट ऐसा रखना है, ये ना ज्यादा पतला है और ना ही ज्यादा गाढ़ा, बीच का सा पेस्ट रहा है ये हमारा।
अगर हम ऐसा रखेंगे तो हमारे पकोड़े अच्छे मुलायम और सॉफ्ट बनेंगे। इसमें हमने दो हरी मिर्च डाली थी, नमक डाला था पीसते समय अपने स्वाद के हिसाब से, और दो पिंच हमने हींग डाली थी। बस अब इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे और फिर अब हम इसे गैस पर कढ़ाई में तेल डालकर पकोड़े बना लेंगे। इसके मूंग की दाल के पकोड़े बनाने से पहले हम तेल में थोड़ा सा पेस्ट डालकर देख लेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम पकोड़े तल लेंगे। पकोड़े तलने के लिए हमने ये चम्मच लिया है, इसको हमने ये पानी में थोड़ा सा घोल लेंगे, ऐसे पानी में डालकर इसको ऐसे कर लेंगे। और फिर हम इस ये पेस्ट लेंगे हाफ टी स्पून, ये हाफ टी स्पून हम पेस्ट इस कढ़ाई में ऐसे डाल देंगे। ऐसे चम्मच पर चिपकेगा नहीं ये पेस्ट, जैसे ही आपको लगे कि भाई थोड़ा चिपक रहा है तो आप फिर से इसे पानी में ऐसे कर सकते हैं धोने के बाद, और फिर से इसमें थोड़ा सा ये पेस्ट लेकर ऐसे डाल सकते हैं। आप हाथ से भी डाल सकते हो। अब ये नीचे से थोड़ा सा सिक गए हैं, अब इन्हें पलट देते हैं। देखिए ये हाफ टी स्पून डाले थे और कितने बड़े हो गए हैं ये। इन्हें आप गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। अब ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हमने ये मूंग की दाल के पकोड़े, या आप इन्हें राम लड्डू कह सकते हैं, बना लिए हैं। अब इन्हें बनाने के बाद हम इनके ऊपर पहले ये प्याज डाल देंगे थोड़ी सी, ये जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली है, और ये हमने खीरा लिया है। अगर हम इन्हें सर्दियों में खा रहे हैं तो हम मूली ले सकते हैं, मूली को कद्दूकस कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम मूली नहीं है तो हमने ये खीरा ले लिया है। इसे डाल देंगे और इसका पानी थोड़ा सा आप निचोड़ सकते हैं, निचोड़ करके चटनी में डाल सकते हैं। और ये चटनी हरे धनिए की चटनी है, ये डाल देंगे। और ये राम लड्डू या मूंग की दाल के पकोड़े तैयार हैं खाने के लिए।